हाँ मिल जाए तो अच्छे बात भैया, सरकार आ जबरदस्ती ले ली तो का मिल जाए। हमारी जमीनें थी, फसल उगती थी, साग सब्जियाँ उगती थी, उससे हम किसान लोगों को कितना फायदा होता था। अब इनके एयरपोर्ट के जरिए से आने वाले समय में कोई भूखन मरेगा। हम आज आए हुए हैं एक ऐसे गांव में जिसकी काफ़ी दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि ये गांव पूरा का पूरा एयरपोर्ट की चपेट में आ चुका है, वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गांव की स्थिति इस समय बन चुकी है। और हम धर्मपुर गांव की बात कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट लाइन में आ चुका है, तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम आ चुके हैं इस गांव में। और अभी हम यहां के लोगों से भी पूछेंगे और जानेंगे कि वो इस फैसले से सहमत हैं या नहीं हैं, आखिर उनको मुआवजा मिला, कितना मिला, सरकार के इस फैसले से वो कितने हद तक सहमत हैं, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर जो ये गांव एयरपोर्ट में आया हुआ है उनको किस हद तक बेनिफिट मिला है या फिर नुकसान हुआ है उनका, इन्हीं से जानते हैं, यहाँ के गांव के लोगों से ही मिलकर जानते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस जो गांव एयरपोर्ट की चपेट में आया है, इसमें आपको मुआवजा उवजा सही तरीके से मिला है कि? मुआवजा बहुत कम मिला है, 8 लाख 12 लाख मिला है, इससे क्या होगा। कितना आपका यहाँ पर कितना जमीन वगैरह था, घर वगैरह? 20 बीघा खेत था और कम से कम 1 बीघा में हमारा घर था। एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए था? नहीं, मतलब कि जो बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हमारी ज़मीनें थी, फसल उगती थी, साग सब्जियाँ उगती थी, उससे हम किसान लोगों को कितना फ़ायदा होता था, मंडी लेकर जाना पड़ता था। अब इनके एयरपोर्ट के जरिए से आने वाले समय में कोई भूखन मरेगा, यानी कि अनाज नहीं पाएगा। ये फैसला एयरपोर्ट वाले जो दिए हैं 8 लाख 12 लाख में, आप ही बताइए 8 लाख 12 लाख में क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं, इस गांव के लोग जो हैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं, वो सरकार से खुश नहीं है कि इस फैसले से, कि जिस जहाँ पर वो लोग फसल उगाते थे, जिस मिट्टी में वो लोग जिस घर में रहते थे, उस घर को तोड़ा गया है और उसका सही तरीके से इनको मुआवजा और पैसे नहीं दिए गए हैं। तो और भी लोगों से जानेंगे हम, पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल इस गांव में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो जानवर लोग हैं वो अपनी आवाज़ में वो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आखिर जब एयरपोर्ट की चपेट में खेत घर सब कुछ चला गया है, तो जानवरों को आखिर चारा कहाँ से मिलेगा? लोग खेती कहाँ पर कर पाएंगे? जो कर्बी घास फूस वगैरह बैठाते थे लोग अपने खेतों में जानवरों के लिए, तो वो अब कहाँ से खाने को मिलेगा? और भी यहाँ पर अभी कई लोग हैं, गांव के लोग, जो बताना चाहते हैं अपनी दयनीय स्थिति, वो सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें अपना बनाया घर, जिसमें जिस घर में वो बचपन से लेके बड़े हुए, उस घर को तोड़ दिया गया, अब उनको कहीं घर भी नहीं मिला। वो लोग खुद मुआवजे से भी सहमत नहीं है और अपना घर खुद जाके बना रहे हैं, 1 बीघा जमीन घर के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दयनीय स्थिति देखने को बनती है। तो मैं आगे चलता हूँ और भी कई लोगों से यहाँ पर पूछूंगा कि किस तरीके से माहौल आखिर बना हुआ है गांव में, और क्या मुआवजा, और ये सारी चीज़ें जानेंगे उन्हीं के मुख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादी जी, आपका यहाँ पर कितना ज़मीन वगैरह था, घर वगैरह था यहाँ पर? जी। तो ये सब एयरपोर्ट में जो आ चुका है, इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला है, मुआवजा मिला है कि? मुआवजा मिला है, बहुत कम भैया। बहुत कम मिला है? हाँ। तो आप मतलब कि सहमत नहीं है इससे? सहमत तो ना है, लेकिन हुए पड़ा का कोई। ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, इससे आप सबको कुछ फायदा होगा? ये बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहत रहा हम लोगों की, अच्छा बात, लेकिन फायदा हमारे सबका पैसा में तो कुछ मिला नहीं। मतलब कि आप लोग, आपका कहना है कि जो यहाँ पर जमीन वगैरह थे, जहाँ पर आप खेती वगैरह करती थी, तो उस हिसाब से आपको कुछ मिला नहीं? कुछ मिला नहीं। हाँ भैया, तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ न्याय चाहिए? न्याय तो चाहिए, कुछ मिल जाए और तो अच्छा ही बात। जी हाँ, मिल जाए तो अच्छे बात भैया, सरकार आ जबरदस्ती ले ली तो का मिल जाए। मतलब आप उनके इस फैसले से खुश नहीं है, गांव पूरे गांव के लोग? नहीं, पूरे गांव के लोग नहीं खुश हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस गांव के लोग सहमत नहीं हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं यहाँ के लोग, और इन लोगों को उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला, उस हिसाब से न्याय नहीं मिला कि जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। तो आगे भी चलते हैं, कई लोग और भी गाँव के हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सहमत हैं इस गांव में। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गांव के मिड पॉइंट बीचों बीच स्थान पर खड़े हुए हैं, और इधर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर भी
टूट रही है, किस तरीके से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये भी छोटी मंदिर है और यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, और उधर जेसीबी बुलडोजर भी चला जा रहा है। तो बाबा का बुलडोजर एकदम जोरों शोरों से चल रहा है, पूरे लय में चल रहा है, वो दिखाने के लिए हम आ चुके हैं गांव में। ये गांव के अभी ये आप लोग देख सकते हैं ईंटों को कैसे यहां पर गांव वाले अपने ईंटों को बचा रहे हैं, इसको बराबर करके रख रहे हैं। और ये घर भी है अभी आधा टूटा हुआ है, और वहां फिर भी अभी कई लोग हैं क्योंकि इन लोगों का अपना घर अभी ढंग से पूरी तरीके से मिला नहीं है, मुआवजा नहीं मिला है। तो अभी कई लोगों ने हमको बताया तो अभी घर तैयार नहीं है, तो जैसे जैसे घर टूट रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, अभी ये घर काफ़ी हद तक टूट चुका है, फिर भी यहाँ पर कई लोग हमको दिख रहे हैं। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो ये बताइए आपका यहाँ पर कितना ज़मीन था? घर वाला? हाँ, घर वाला। घर खेत जो भी था? घर लगभग 10 बीघा घर हमारे गाँव का। हाँ, अरे खेत खेत। हाँ, 10 बीघा खेत। और ये 2 बीघा 2 बीघा मई मतलब घर बा हमारे हुआ था लेके उन्होंने दवा सी मिल के देखा पाए। हाँ, हाँ। और सब चेक रोड तक। हाँ, ये सब हमारे जमीन में पा। तो मतलब कि आपको मुआवजा सही तरीके से मिला है कि नहीं मिला है? मुआवजा तो सही ना मिला बा भैया, लेकिन अब मिले हम तो ना बा। हाँ, हाँ। अब जोन मिल जाए हम संतोष करें बाय। अब हमें मतलब कुछ मुकदमा ना लड़क पाए। तो जैसे कि ये एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है तो इनको यहाँ पर बनाना चाहिए था कि दूसरी जगह पर लेके जाना चाहिए? जगह हमारा सब का बताइए, चला गया भैया। देखो हमारा सब विरोध काम कैसे अब तो कुछ, हाँ, हमारा सब अब हमारे सबका कुछ उम्मीद लग रहा है। ठीक है, घर बन गए हुआ, एक एक बिस्सा जमीन मिला, अब सब घर चला गया, खेत चला गया, अब विरोधी के यहाँ कोई फायदा ना है। तो खेत के बदले कहीं खेत मिला है कि उसका पैसा दिया? कुछ ना पैसा मिला, खेत नहीं। अच्छा, तो मतलब आप लोग पहले जो खेती करते थे? हाँ। तो आपको अब कहीं खेती करने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा? कहूँ नहीं है, कहाँ हमारा सब का है ठिकाना। अच्छा, तो हाँ। जमीन ये कहाँ पर दिए हैं आपको? घर बना बनाए दिए हैं? नहीं, बनवावा गया, एक एक बिस्सा जमीन मिला है। अच्छा, बनवाया खुद खुद ही बनवाना पड़ा? हाँ, अपना बनवाया है। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि घर नहीं मिला था, हम लोगों को खुद ही बनवाना पड़ा, और उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। जो कहना है कि मुआवजा नहीं मिला है, ये इस बात से सहमत नहीं है। हम खेती करते थे, अब खेती करने का कोई ठिकाना नहीं रहा है। तो इन सब का कोई एक यूनिक निर्णय निकल कर आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से।